तो अगर आप ये जानना चाहते हो नोट 12 और गैलेक्सी F23 में कौन सा डिवाइस बेहतर है, तो नो डाउट यहाँ पर सस्ता होने के बावजूद भी कुछ कंडीशन में F23 बेहतर लगा, या फिर कह सकते हैं कि सस्ता होने के बावजूद भी F23 और नोट 12 लगभग सेम ही हैं। अब कैसे सेम है, कहाँ पर F23 बेहतर है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। सबसे पहले बात करें अगर प्राइसिंग की, तो F23 का 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन आता है 14,000 रुपये का, और 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन आता है 15,000 रुपये का। नोट 12 का 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन है 18,000 रुपये का, और 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन है 20,000 रुपये का। बात करते हैं अब Redmi Note 12 और Galaxy F23 के डिज़ाइन के बारे में, तो कुछ ये डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कैमरा शेप में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर मुझे Note 12 ज़्यादा ट्रेंडी लगा एज़ कम्पेयर टू F23। इसके अलावा दोनों में ही आपको टाइप सी पोर्ट 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। अगर स्लिमनेस की बात करें तो नोट 12 का स्लिमनेस है 8mm, F23 है 8.4mm। वेट की बात करें तो नोट 12 का है 188 ग्राम, वहीं F23 का है 198 ग्राम। तो कॉम्पैक्टनेस के मामले में यहाँ पर नोट 12 थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू F23। और डिज़ाइन के मामले हमेशा बोलता हूँ कि आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। पर्सनली मुझे यहाँ नोट 12 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ आप थोड़ा सा चौंक सकते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, तो दोनों में ही आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है। F23 में आपको मिलता है PLS डिस्प्ले, नोट 12 में आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले। दोनों ही डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट सेम है 120Hz का। अब यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कि आप डिस्प्ले पर कलर्स देख सकते हो, दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले पर लगभग सेम ही कलर्स देखने को मिलते हैं। एमोलेड और PLS में जो डिफरेंस होना चाहिए कलर्स के अंदर, वो डिफरेंस आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मैं F23 के कई सारे रिव्यूज़ बना चुका हूँ, और मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि F23 में सैमसंग ने बहुत ही अच्छा डिस्प्ले यूज किया है, या फिर कलर सैचुरेशन F23 का कुछ ऐसा सेट करके दिया है डिफ़ॉल्ट पर ही कि यहाँ पर आपको अमेजिंग कलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हो। नोट 12 की वीडियो पर या फिर नोट 12 की जो डिस्प्ले पर कलर्स हैं, लगभग सेम ही कलर्स आपको F23 के डिस्प्ले पर भी देखने को मिलते हैं। कोई डिफरेंस खास यहाँ देखने को नहीं मिलता, और कहीं कहीं तो F23 पर थोड़े से पंची कलर्स ही देखने को मिलते हैं नोट 12 के कंपैरिजन में। ब्राइटनेस की बात करें तो दोनों का ही कमाल का है। आउटडोर में आप दोनों ही डिवाइसेस को बड़े आराम से यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है कि नोट 12 की डिस्प्ले का कलर सैचुरेशन चेंज तो नहीं किया, तो डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है वो नोट 12 की विविड डिस्प्ले सेटिंग्स पर रिकॉर्ड किया है। तो एमोलेड और PLS के जो बाकी के डिफरेंसेस या बाकी के जो फायदे होते हैं वो आपको नोट 12 पर देखने को मिल जाएंगे, बट अगर कलर्स की बात करें तो वहाँ कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। F23 यहाँ पूरी तरह से टक्कर देता है नोट 12 को। UI फीचर्स की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी F23 में आपको मिलता है वन UI, नोट 12 में आपको मिलता है MIUI। लुक एंड फील की बात करें तो दोनों में ही आप ऐप ड्रॉअर, होम स्क्रीन अलग, या फिर चाहो तो एक सिंगल पेज UI दोनों में ही बना सकते हो। लुक एंड फील यहाँ से आप देख सकते हो, नोट 12 में अप एंड डाउन होता है आपके एप्लीकेशंस ऐप ड्रॉअर में, वहीं F23 में लेफ्ट एंड राइट। ये है क्विक एक्सेस पैनल, जहाँ से आप लुक देख सकते हो कि क्या लुक एंड फील आपका रहने वाला है। ये है सेटिंग्स का मेन्यू, या फिर कहें सेटिंग्स का UI, और यहाँ से आप सेटिंग्स का UI देख सकते हो कि क्या लुक एंड फील आपका रहने वाला है। अगर फीचर्स की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए दोनों ही डिवाइसेज में आपको साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर्स में सैमसंग गैलेक्सी F23 में आपको जेस्चर कंट्रोल्स, गूगल मैसेंजर, गेम लॉन्चर, गेम टूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो स्पेशल फीचर्स उससे रिलेटेड आपको नोट 12 में भी देखने को मिल जाते हैं। अब नोट 12 में आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले, तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको और देखने को मिल जाएगा, जबकि इससे रिलेटेड कोई फीचर आपको F23 में देखने को नहीं मिलेगा। क्विक एक्सेस पैनल में कुछ जरूरी शॉर्टकट्स की बात करें तो F23 में आपको मिल जाता है NFC, तो नोट 12 में आपको मिल जाता है IR ब्लास्टर। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों में ही रियर पर आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा नोट 12 में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज ऑफ 1.8। F23 में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सेम अपर्चर साइज ऑफ 1.8। बाकी के दो कैमरा लेंस भी सेम है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दोनों में, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। डेप्थ सेंसर आपको दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट पर नोट 12 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, अपर्चर साइज ऑफ 2.5। F23 में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, अपर्चर साइज ऑफ 2.2। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है रियर और फ्रंट दोनों के लिए।
कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नाइट मोड आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो नोट 12 से आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वहीं F23 से अल्ट्रा एचडी तक का। 60 FPS का सपोर्ट आपको दोनों में से किसी भी डिवाइस पर देखने को नहीं मिलेगा। F23 में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको नोट 12 में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, गैलेक्सी F23 वर्सेस नोट 12 कैमरा कंपैरिजन। डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। इन शॉर्ट बात करें तो ज़्यादातर कंडीशन में रियर कैमरे में मुझे F23 का कैमरा ज़्यादा बेहतर लगा नोट 12 के कंपैरिजन में। ऑटो मोड पर आपको दोनों से ही मिलती है 12 मेगापिक्सल की फोटो, तो डिटेलिंग में दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। आउटडोर में फोटोज़ कैप्चर करने पर नोट 12 में आपको वाइट बैलेंस का इशू देखने को मिल सकता है, मतलब आपके फोटोज़ में डायरेक्ट सनलाइट में अननेसेसरी येलो टोन शो हो सकती है। इसके अलावा डायनेमिक रेंज भी F23 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। अगर शाम के समय बात करें तो उस कंडीशन में दोनों में ही आपको कमाल के कलर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि F23 में आपको ज़्यादातर कंडीशन में कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, वहीं नोट 12 आउटडोर के लिए इतना अच्छा नहीं है। हालांकि इनडोर में आर्टिफिशियल लाइट में नोट 12 आपको बहुत अच्छी फोटोज़ दे देता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो दोनों में ही डेप्थ सेंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी कमाल का है। दोनों ही डिवाइसेस से आप कमाल के पोर्ट्रेट मोड के फोटोज़ ले सकते हो। आइडिया आप यहाँ से ले ही सकते हो कि लगभग कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो कुछ कंडीशन में नोट 12 से आपको ब्राइटर फोटोज़ तो देखने को मिल जाएगी सेम लाइटिंग कंडीशन में, बट उस कंडीशन में आपके फोटोज़ में नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा F23 के कंपैरिजन में। दोनों ही डिवाइसेस में नाइट मोड भी दिया गया है और नाइट मोड अप्लाई करने के बाद F23 से आपको ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलेंगे नोट 12 के कंपैरिजन में। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की बात करें तो वहाँ भी F23 ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है नोट 12 के कंपैरिजन में। इन शॉर्ट मैंने यहाँ आपको बता दिया, डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो जहाँ से आपको 1x1 पॉइंट बाई पॉइंट मैंने डिटेल में समझाया है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। ओप्पो और वीवो की तरह यहाँ पर आपको वाइड वाइड सेल्फी देखने को नहीं मिलेगी। दोनों ही डिवाइसेस नेचुरलिटी को भी बहुत हद तक मेंटेन करते हैं, ब्यूटी इफेक्ट दोनों का ही काफ़ी कमाल का है। फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो दोनों का ही एज डिटेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ F23 की सेल्फी कुछ कंडीशन में ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे कि आपके ऑब्जेक्ट यानी कि आपकी जो मेन है, जैसे कि मेरे ऊपर भी कैमरा फोकस करता है, वर्क करता है। इसके अलावा पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स शो होती है, स्काई वगैरह बैकग्राउंड पर जो भी चीज़ें आती हैं उन सब पर वर्क होता है, जबकि नोट 12 में बैकग्राउंड पर इतना अच्छा वर्क नहीं होता। इसके अलावा डिटेलिंग के मामले में भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बावजूद F23 13 मेगापिक्सल के नोट 12 से बेहतर है। शार्पनेस भी F23 की सेल्फी में ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल अगर कैमरे की बात करें तो मुझे यहाँ F23 का कैमरा ओवरऑल परफॉर्मेंस में नोट 12 से बेहतर लगा, क्योंकि वीडियोस के अंदर वहाँ पर मैंने वीडियो सैंपल भी दिखाया है, तो स्टेबलाइजेशन भी F23 का बेहतर है। इसके अलावा अल्ट्रा एचडी तक का वीडियो आप F23 से रिकॉर्ड कर सकते हो, सुपर स्लो मोशन का फीचर भी आपको F23 में देखने को मिल जाता है। तो कुछ एक ऐसी ही चीज़ों की वजह से मुझे F23 का ओवरऑल परफॉर्मेंस नोट 12 से ज़्यादा बेहतर लगा। हार्डवेयर की बात करें तो नोट 12 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 4th Gen 1 प्रोसेसर, वहीं F23 में स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। दोनों का ही GPU सेम है एड्रीनो 619 और ये है N22 बेंचमार्क स्कोर्स दोनों ही डिवाइसेस के। और यहाँ पर N22 बेंचमार्क टेस्ट के मुताबिक दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं, आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। कॉमन यूज़, गेमिंग और मल्टीटास्किंग तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉमन यूज़ में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं। गेमिंग की बात करें तो मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप बड़े आराम से बिना किसी लैग के प्ले कर सकते हो, माइनर लैग के साथ हाई ग्राफिक्स के गेम्स भी आपके दोनों ही डिवाइसेस पर रन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मल्टीटास्किंग की बात करें तो वहाँ भी दोनों काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकली भी मैंने दोनों ही डिवाइसेस यूज़ करके देखे हैं, दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। हालांकि कुछ नेटिव और पीडब्ल्यूडी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जब मैंने अपने पास से लॉन्च करके देखे तो F23 पर वो थोड़ा सा जल्दी लोड हो गई एज़ कम्पेयर टू नोट 12। रिव्यू टेस्ट भी F23 का ज़्यादा बेहतर रहा नोट 12 के कंपैरिजन में, बट कॉमन यूज या फिर डेली यूज में उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हार्डवेयर के मामले में हम दोनों को ही सेम कह सकते हैं। बैटरी की बात करें तो दोनों में ही आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी। नोट 12 में आपको 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, वहीं F23 में 25W का। इन डिफरेंसेस के अलावा कुछ माइनर डिफरेंसेस और रह गए हैं, उन पर वो डिस्कस कर लेते हैं। नोट 12 में आपको फास्ट चार्जर साथ देखने को मिल जाता है, जबकि F23 में कोई भी चार्जर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा नोट 12 में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, F23 में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। नोट 12 IP53 सर्टिफाइड है, जबकि ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन F23 में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि हल्का सा स्प्लैश प्रूफ है आपका नोट 12, थोड़ा बहुत पानी वो आराम से झील जाएगा।
इसके अलावा F23 में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा, जबकि Redmi Note 12 में आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों यही था मेरा Redmi Note 12 और Galaxy F23 के बीच फुल कंपैरिजन। 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाले वर्जन को अगर कंपेयर करें तो 4000 रुपये सस्ता होने के बावजूद भी F23 में कैमरा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है, फिर चाहे वो रियर कैमरा हो या फिर हो फ्रंट कैमरा। इसके अलावा अगर हार्डवेयर की बात करें तो वो दोनों का लगभग सेम है, बैटरी दोनों में सेम मिलती है, फास्ट चार्जिंग का इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन डिफरेंस था AMOLED डिस्प्ले का, तो कलर्स के मामले में यहाँ भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। कलर्स के अलावा बाकी के जो बेनिफिट हैं माइनर डिफरेंसेस बस वही देखने को मिलते हैं, तो कहीं F23 भी बेहतर है कहीं Note 12। ज़्यादातर कंडीशन में मुझे F23 बेहतर लगा, तो 4000 रुपये सस्ता होने के बावजूद भी मेरे रिकमेंडेशन रहेगा F23 के लिए। आप क्या सोचते हैं दोनों ही डिवाइसेस के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो दोस्तों मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।